नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गुरु में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 9 जिलों में भर्ती निकली है, तो कौन कौन से वह 9 जिले हैं, कौन से पद पर भर्ती निकली है, सभी जानकारी देंगे। पर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको भारत में निकलने वाली हर एक योजनाओं की जानकारी, हर एक वैकेंसी की अपडेट आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो हमें सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए वेबसाइट पर, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, करियर काउंसलर से जिलों की सूची यहाँ पर बाकी है। अलीराजपुर है, अशोकनगर है, बुरहानपुर है, डिंडोरी है, झाबुआ है, खरगोन है, शहडोल है, सीधी और सिंगरौली, ये 9 जिलों में है जो दोस्तों भर्ती निकली है करियर काउंसलर की। तो ये भर्ती आपको साइट मैप पर देखने को मिल जाएगी दोस्तों। साइट मैप एक ऐसी वेबसाइट है जो कि राज्य सरकार द्वारा संचालित रहती है और जो कि पिछले 10 सालों से ये इस रूप में काम कर रही है। इसमें किसी भी जॉब की अपडेट पानी रहती है तो इसमें आवेदन करना रहता है, तो आप इसमें कर सकते हैं, इसमें निःशुल्क आप आवेदन जो है कर सकते हैं। करियर काउंसलिंग की है, लोक शिक्षा संचालनालय द्वारा अपडेट किया गया। तो ये भर्ती करियर काउंसलर लोक शिक्षा संचालनालय द्वारा निकाली गई है। मध्य प्रदेश के टोटल 55 जिलों में निकली है, जिसमें से बाकी जिलों में हो चुकी, बस 9 जिले शेष रह चुके हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये 11/26/2024 मतलब 26/11/2024 को पोस्ट किया गया था, मतलब आज से 3 दिन पहले ही पोस्ट किया गया था। और यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, तो ये नौकरी का प्रकार अनुबंध है, मतलब एक प्रकार से अनुबंध है, ठीक है। वो कार्य का अनुभव आपके पास 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में होना चाहिए, मतलब 1 वर्ष का है तो भी चल जाएगा, 2 वर्ष का है तो भी चल जाएगा, 2.5 वर्ष का है तो भी चल जाएगा, 3 वर्ष का है तो भी चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वेतन की अगर हम बात करें तो 10 से 15 हजार रुपये प्रतिमाह आपको दिया जाएगा। इन 9 जिलों में टोटल 124 पदों पर यह भर्ती होनी है, ठीक है। ये 9 जिले जो मैंने आपको बताया उसमें 124 पदों पर भर्ती होने वाली है। नौकरी का विवरण यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, को आपको शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, आपको क्या काम क्या करना है वो देखने को मिल जाएगा। नौकरी का स्थान देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर टोटल 9 जिले की आप देख सकते हैं सूची में, प्रत्येक स्थान एक रिक्त है, ठीक है, हर जिले में एक एक स्थान रिक्त है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप अगर आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वो भी निःशुल्क है। यहाँ पर आपको क्या करना है, मेरी दिलचस्पी है पर क्लिक कर देना, ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बायोडाटा अपलोड करना है, यानी कि आपका रिज्यूम अपलोड कर देना है, ठीक है। या तो आप उसे PDF में अपलोड कर सकते हैं या उसे फोटो खींच कर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरी जानकारी भर देनी है, आपको यहाँ पर जोड़ देना है मिस्टर श्रीमती जो भी आपके हो। उसके बाद यहाँ पर आपको नाम डाल देना, आप यहाँ नाम डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है, मोबाइल नंबर आपको डालना है सही, और एक डालना है ईमेल ID, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये मेरिट लिस्ट बनेगी, जो पहले इसमें पहले आओ पहले पाओ वाला नियम लागू है दोस्तों। जैसे ही 124 आवेदन हो जाएंगे, इसमें आवेदन ये जो वेबसाइट है वो हट जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इसमें आप जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट कभी बंद हो सकती है। उसके बाद आपको ईमेल ID सही डालना है सिलेक्शन होने के बाद, इसी पर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डाल देना, वर्तमान स्थान, पसंदीदा स्थान, सभी जानकारी भर देनी है, शैक्षणिक योग्यता भर देनी है, कौशल सेट भर देना है, ठीक है, आपको कौन कौन से क्षेत्र में आपको रुचि है। उसके बाद यहाँ पर आपको अनुभव डाल देना है पूरा, ठीक है। उसके बाद कैप्चर फिर कर देना है और उसके बाद आवेदन को यहाँ पर जमा कर देना है। तो इस प्रकार से आप अपना इसमें ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, जहाँ से आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आप संसद मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय।